जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। मेरे साथ बोलोगे ओम एम सरस्वते नमः। अगर इस मंत्र को आप सुबह उठ करके नहा धो करके 11 बार बोलेंगे ना, तो पूरा दिन आपके साथ सरस्वती रहेगी। आपकी विद्या जो है आपको ग्रहण करने में आपकी सरस्वती माँ पूरी मदद करेगी। 11 बार नहा करके इस मंत्र को पढ़ याद करो। अभी इस बच्चे का ध्यान नहीं, कहाँ देख रहा भाई, कहाँ देख रहा है? पहले एजुकेशन कहाँ दी जाती थी आपको पता है? पहले एजुकेशन गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी, बच्चे परमानेंट स्कूल में जा कर के वहाँ पर गुरु के पास आश्रमों में रहते थे जंगलों में। तो ऐसे ही एक दिन गुरु जी, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं, वो गुरु जी दूसरे होते ज्ञानी ध्यानी वो आश्रम में गुरु जी पढ़ा रहे थे। एक बच्चे का ध्यान गुरु जी की तरफ ना होकर के एक जगह हिरण कूद रहा था, उस हिरण को देख रहा था। गुरु जी ने उसको अपने पास बुलाया और पहले तो गुरु जी डंडा रखते थे, डंडा रखते थे ऐसे रूल रखते थे गुरु जी, आजकल तो रखते नहीं है, रखते हैं कोई नहीं रखता। पहले तो गुरु जी डंडे से पिटाई कर उसको अपने पास बुलाया और उसने हाथ फैलाया तो उन्होंने स्टिक उठाई, लेकिन हाथ हथेली पर निगाह चली गई गुरु जी की। उन्होंने देखा वो उसके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, उन्होंने अपना डंडा वापस ले लिया। जब पूरे बच्चे उठ करके क्लास में से चले गए, लास्ट में वो बच्चा खड़ा रह गया। उसने कहा गुरु जी आपने मुझे पीटा क्यों नहीं? क्योंकि गुरु जी का ना पीटना भी एक अपने आप में क्या होता था कि मैंने गलती की थी और गुरु जी ने मुझे पीटा नहीं, इसका मतलब कुछ ज़्यादा रुष्ट है गुरु जी। उसने कहा बेटा तो यार गुरु जी क्या की रेखा नहीं चल रही, कितनी कितनी लाभ है। तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि गुरु जी विद्या की रेखा कौन सी होती है, बताओ। तो गुरु जी ने अपना हाथ दिखाया, उसने बताया कि बेटा ये विद्या की रेखा है। बच्चे ने देख लिया कि यहाँ से विद्या की रेखा होती है। अगले दिन पहले गुरुकुल में तो वहीं खाना खाते थे, एक बच्चा गुरु माँ के साथ में रसोई में काम करवाता था, वो तो अगले दिन उसी का नंबर आ गया रसोई में काम करने का। जब पूरा काम हो गया, खाना बन के तैयार हो गया और गुरु माँ अपने काम में दूसरे में लग गई, उसने चाकू की धार लगाई और वहाँ से हाथ को काट लिया जहाँ से क्या होनी चाहिए थी, विद्या की रेखा होनी चाहिए, और गहरा घाव हो गया हाथ में। अगले दिन जब वो स्कूल में आया तो गुरु जी ने देखा कि भाई उसके चेहरे पर तो पीड़ा के भाव थे, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द होता है हथेली में। उन्होंने अपने पास बुलाया गुरु जी ने कि बेटा क्या बात है, दिखाओ हाथ, दिखाओ आपको पीड़ा है, हाथ दिखाओ। दिखा उसने हाथ ऐसे किया तो उसमें से खून टपक करा, बोला बेटा ये क्या किया थी? तो उसने कहा गुरु जी आपने ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन माइंड बॉडी एंड सोल, यानी कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आत्मिक विकास, आत्मा को परमात्मा से जो मिला दे वो भी एजुकेशन है। तो आप एजुकेशन ग्रहण करने के लिए सुबह से यहाँ तक पर दोपहर तक रहते हो, आपके मम्मी पापा पेट की मेहनत करके आपको यहाँ भेजते हैं, यहाँ अच्छा आपके पास प्रबुद्ध स्टाफ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल केवल आप ये मत सोचो कि वो, मैं तो उनकी दुकान मानता हूँ, रट्टा फिकेशन होती है वहाँ, उनके पास कोई विशेष अलग से नॉलेज नहीं है। जो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है आपके पास, वहाँ तो प्लस टू या BA आते तो ट्रेंड भी नहीं है, जो टीचर की ट्रेनिंग होती है वो किए हुए भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चे उधर की तरफ प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। आज आपकी जो मैंने प्रार्थना सुनी ना, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हमारे स्कूल में भी जब हम छोटे बच्चे थे आपकी उसमें यही प्रार्थना होती दया कर दान। तो अगर आप परमात्मा को सुबह याद करते हो तो परमात्मा भी आपको याद रखता है, आपको कुछ भूलने नहीं देगा। सरस्वती जो है विद्या की देवी कहलाती है ना।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद।